हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंदा सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के हिंदी गद्य खंड काव्य में पाठ 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ए विनय, बी महाभारत, सी पंचतंत्र, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। हमारा इसमें सही है डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नख किसका प्रतीक है? ए सभ्यता का, बी पशुता का, सी मानवता का, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही है बी पशुता का। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवता की पहचान क्या है? ए नाखून को काटना, बी नाखून को बढ़ाना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे इसमें सही ए नाखून को काटना। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? ए अग्निदेव को, बी विष्णु, सी इंद्र, डी महेश। हमारे जिसमें सही है सी इंद्र। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी निराला देवी। हमारे इसमें सही है सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के कौन सी विधा में लेखन नहीं किया है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी निबंध, डी कहानी। हमारा जो सही है इसमें डी कहानी। हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी वेद, डी पुराण। हमारा जो सही इसमें डी पुराण। हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए बक्सर बिहार, बी मुंगेर बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी पटना बिहार। हमारा जो सही है इसमें सी बलिया उत्तर प्रदेश। हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी रामचंद्र शुक्ल, डी सुमित्रानंद पंत। हमारा जिसमें सही है डी सुमित्रानंद पंत। हम लोग दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कामसूत्र की रचनाकार कौन है? ए पतंजलि, बी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वात्स्यायन, डी शंकराचार्य। हमारा जिसमें सही है सी वात्स्यायन। हम लोग ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्तक का अर्थ होता है ए फिटकरी, बी मोम, सी सिंदूर, डी महावर। हमारा जिसमें सही है बी मोम। हम लोग बारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए चोर को, बी नाखून को, सी लुटेरों को, डी हत्यारों को। हमारा जो इसमें सही है बी नाखून को। हम लोग तेरहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य सी की उपाधि दी गई? ए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमारा जो इसमें सही है डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हम लोग चौदहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस वर्ष पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए 1954 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। हमारा जो इसमें सही है बी 1957 ईस्वी में। हम लोग पंद्रहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी ललित निबंध, सी उपन्यास, डी कविता। हमारा जो इसमें सही है बी ललित निबंध। हम लोग सोलहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? ए 1978, बी 1983, सी 1985, डी 1979। हमारा जो सही इसमें डी 1979। हम लोग सत्रहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी बिहार। हमारा जो इसमें सही ए दिल्ली। हम लोग अठारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए 1906 ईस्वी में, बी 1909 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। हमारा जो इसमें सही है सी 1907 ईस्वी में।
हम लोग 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी गाजीपुर उत्तर प्रदेश, डी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। हमारा जो सही इसमें ए बलिया उत्तर प्रदेश। हम लोग 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ए कल्पना, बी अशोक के फूल, सी कूटज, डी इनमें से सभी। हमारा जो सही इसमें डी इनमें से सभी। हम लोग इस 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं बन सकती है? ए बंदरिया, बी हाथी, सी से, डी कुत्ता। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसमें हमारा ए सही होगा, बंदरिया। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।